सो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo T1 Pro 5G मोबाइल में फ्रंट स्टाइल चेंज कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस मोबाइल में काफ़ी दोस्तों गजब गजब के आपको फ्रंट स्टाइल मिल जाते हैं। तो आप अपने मोबाइल में कैसे अप्लाई करोगे, चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके मोबाइल में दोस्तों थीम्स नाम से दोस्तों एक ऐप मिलती है, हर वीवो मोबाइल में ये देखने को मिल जाएगी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस शो होगा आप लोगों के सामने। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ दोस्तों देखिए तीसरे नंबर पे फ्रंट का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फ्रंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब ऊपर की तरफ दोस्तों देखिए सर्च का ऑप्शन दिख रहा, सर्च के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही दोस्तों आपको सर्च में लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है इक्की, मैं स्पेलिंग बता दे रहा हूँ IEKIE। इतना आप दोस्तों जैसे ही लिखकर सर्च करोगे जितनी भी यहाँ पर दोस्तों फ्रंट स्टाइल आएंगी ये दोस्तों टोटल वीवो की तरफ से फ्री में दी गई हैं। तो इनमें से अगर आपको कोई पसंद आती है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ दोस्तों देखिए डाउनलोड का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड नाउ पर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो दोस्तों ये जो है फ्रंट स्टाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जब तक ये जो है फ्रंट स्टाइल डाउनलोड हो रही है तब तक दोस्तों मैं वेट कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए फ्रंट स्टाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको मोबाइल में लगाने के लिए आपको अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करोगे तो दोस्तों ये जो है मोबाइल में फ्रंट स्टाइल सक्सेसफुली अप्लाई हो चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैं सेटिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों किस प्रकार की फ्रंट स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप Vivo T1 Pro मोबाइल में फ्रंट स्टाइल चेंज कर सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से।